इंदौर जिले के सीमा भर्ती थाना क्षेत्रों में बढ़ती लूट डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में थाना स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कॉलोनाइजर और रहवासियों के साथ मीटिंग की जा रही है। कुछ ऐसा ही डोंगरगढ़ गांव चौकी पर देखने को मिला। बता दें कि एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत के निर्देश में बड़गोंदा थाना प्रभारी अमित कुमार भावोर ने बड़गोंदा थाना क्षेत्रों में आने वाली कॉलोनी और जिस क्षेत्र में चोरी डकैती की घटनाएं हुई हैं, उन सभी रहवासी क्षेत्र की मीटिंग डोंगर गांव चौकी पर रखी गई। कॉलोनाइजर और रहवासियों की हुई मीटिंग में कई बिंदु सामने आए। कॉलोनियों में सुरक्षा का अभाव देखा गया, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड और बाउंड्री वॉल की समस्या प्रमुख थी। इसी सुरक्षा के अभाव के चलते चोर घरों के ताले तोड़ते हैं और चोरी डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं थाना प्रभारी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे लगाएं, साथ ही बाउंड्री वॉल जैसी समस्याएं ना हो। साथ ही रहवासियों को भी सचेत किया गया कि अनजान व्यक्ति के मेल मिलाप ना बढ़ावे तब जब जिम्मेदार व्यक्ति घर ना हो। शंका होने पर थाना प्रभारी या थाने पर संपर्क कर सकते हैं। आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के थाना क्षेत्रों में, जिलों में, सरहदी सीमाओं में चोरी की वारदातें बढ़ी है, जिससे हमारे वरिष्ठ अधिकारी योग निर्देशन के पश्चात सभी थाना क्षेत्र के, आसपास के थाना क्षेत्र में जहां भी बाहरी कॉलोनाइजर है, कॉलोनी बसी हुई है दूर दूर, उन सभी के जिम्मेदार व्यक्तियों को हमने थाने पर बुलाकर कैमरों के संबंध में, उनके समस्याओं के संबंध में और आगे क्या एक्शन प्लान रहेगा जिससे कि हम क्षेत्र में चोरी की वारदातों को कम कर सकें, इस पर हमने आज विस्तार से चर्चा की है। लगभग आज 5 से 6 कॉलोनी के लोग एकत्रित हुए थे। आगामी दिनों में हमारा यह भी प्लान है कि हम कॉलोनी वाइज विजिट करेंगे। हमारी एक टीम रहेगी, हर कॉलोनी में जाके सीसीटीवी कैमरे, बाउंड्री वॉल और कंपनी द्वारा जो जो सुविधाएं देना चाहिए उन बिंदुओं की पूर्ति की जा रही है या नहीं की जा रही है, इस संबंध में भी हम जानकारी एकत्रित करेंगे और जहां भी कमी पेशी पाई जाएगी तो इस संबंध में हम विस्तार से प्रतिवेदन राजस्व विभाग को भी देंगे और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मीटिंग के दौरान पुलिस ने थाने सहित अन्य नंबरों का भी आदान प्रदान किया। मीटिंग में थाना प्रभारी अमित कुमार एवं थाने का स्टाफ सहित नेचर वैली, पंचवटी कॉलोनी, रजत ग्रीन, विनायक विहार सहित अन्य कॉलोनियों के रहवासी और कॉलोनाइजर मौजूद थे। मृदुभाषी के लिए महू से लोकेश राठौर की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।